हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और मेरा नाम है वजह। तो यार सगन ने भाई भगवान शिव जी का राज खोल दिया है, लेकिन भाई जो सती जी आगे से गुस्सा हो गई हैं वो देखने वाला अबे था। उसको नकचड़ी जो बोल दिया नकचड़ी और बड़ी राजे की बेटी, वो यही तो है। और नंदी जी भी तो फिर सफाई पेश करके बचाते जा रहे हैं बार बार भाई ना। लेकिन अब देखते उन्होंने बोल दिया इसका, तो भाई ये तुमको आंसर अब मेरे पिताजी को ही देना। अब देखते आगे कौन करते है स्टार्ट। अरे अरे स्वामी, क्या सोच कर आए थे और क्या हो गया? और तुम ले, तुम्हें क्या आवश्यकता थी हमारे पीछे आने की? मना किया था ना देवक? एक बालक से इस तरह बात नहीं करते। बालक वो दोस्त को देख सकंद छोड़कर आ। नहीं नहीं स्वामी, मुझे तो माता को मनाना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। कितनी करता है देख माता की यार ये। अरे देवी रुक जाइए, देवी रुक जाइए, रुक जाइए देवी। आपको देखकर उस बालक को भ्रम हो गया था, किंतु देवी उस बालक ने जो भी कहा वो सत्य ही। इसके सामने भी इतनी लंबी दुखद कहानी, मेरे जटा ने किसी से भी अपनी प्रेम कहानी कहने से मना कर दिया। ओह तो आपको तो सुनाना ही पड़ेगा जी। इसे सुनने के बाद मेरे स्वामी के प्रति आपकी असहमति अवश्य ही दूर हो जाएगी। लेकिन क्या सुनाएंगे, अब किस तरह बचाएंगे? मामा चलो ना, मामा चलो ना, मामी को मना लेते हैं, चलो। नहीं सुकर ये कार्य सेवक बड़े अच्छे से कर लेगा। उसको डिफेंड करना आता है। तुम्हें छोड़ कर आता वही ना। चल जटा को उस आदिवासी राजकुमार से बहुत गहरा प्रेम, किंतु वो उससे अप्रसन्न थी। क्यों? अहंकारी थी। राजा की पुत्री जो थे नहीं समझ पाई मेरे भूल बोले स्वामी को। संभवतः उसे इस बात से आपत्ति थी कि कोई उसकी रक्षा संकट में करे। पूरी वही स्टोरी सुना रहा है इस वाली। यदि वो पत्थर के होते क्या बार बार तेरे बुलाने पर आ जाती? कभी तेरी सहायता के लिए तो कभी तेरे माध्यम से किसी ये देखो ना किस किस तरह बचाया। हाँ तो इसमें हानि ही क्या है? किसी भी युवती को दया की नहीं प्रेम की आवश्यकता होती है। तो वही तो दिखाने आए हैं। कदाचित अपनी दया दृष्टि से उसे प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हो। तो वही तो कर रहे हैं माता। दृष्टि में राजकुमारी बिल्कुल ठीक है। नहीं देवी नहीं, जटा का प्रेम उस कन्या के प्रति अद्वितीय है। उनकी झिझक इस बात से और थी कि क्या राजकुमारी जो इतने वैभव में पली बड़ी है जटा के अस्थिर जीवन को अपना पाएगी या नहीं। वही बात वही सेम बोल रहे हैं। दुविधा से बाहर आने से पूर्व ही उस राजकुमारी ने जटा से अपने सामने कभी नहाने का प्रण ले लिया। ओ, अच्छे से डिफेंड कर रहे हैं। इससे जटा इतने उदास और आहत हो गए हैं, इसका बोध राजकुमारी की कल्पना से परे है। सेम टू सेम। मुझे किसी भी संकट से बचाने के लिए कभी मत आइएगा। स्टोरी वही सुना रहे हैं लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। संभवतः वो अपने पिताजी के निर्णय के आगे असमर्थ थी। और सती जी ही हैं। कदाचित उसमें अपने पिताजी के निर्णय की अवहेलना करने का साहस ही नहीं था। देवी अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि उस बालक की प्रतिक्रिया उसके भ्रमित होने के कारण ही थी ना। आपकी और जटा की बेटा एक ही है। एक ही तो है ही एक। देखिए जटा बालक को घर छोड़कर यही आ रहे हैं। तो आप क्या होगा? मैं आपसे सहमत हूँ। ओह मैं पिताजी से इस विषय में कुछ नहीं कहूंगा। यार नंदी जी ने क्या काबू पाया है। हाँ
मैं कहता हूँ तो नंदी नंदी जी भी लीला वाले हो है चमकार है भाई इनका झूठ भी नहीं बोला ना हाँ सारा सच बोला हाँ ये यहाँ कैसे आ गए मैं इनके सामने सती को कैसे भेज पाऊंगी ये कैलाश भेजना चाहती है और महादेव जी को सामने है और वो समझ भी गए हैं आई थिंक सो अब आप लोगों को जाना होगा मैं दीदी के साथ कुछ समय के लिए विचरण पर जा रही तो इनको नहीं पता होगा तो और किन को पता होगा ये देख रहे हैं देख आप कहाँ आ रहे हैं नगर का भ्रमण कर रहा था कुछ आपके साथ नदी पार हम भी चलते कृपया कर अपनी मर्यादा की सीमा ना लाइए आप इस योग्य नहीं कि हमारी संगति कर सके नहीं ये तो पता नहीं और आप लोग इस योग्य नहीं है यदि आपकी इच्छा नहीं है तो हम नहीं आएंगे सती नौका में बैठो ओए ओए कुछ चमकार हो रही है हाँ ये देख ओए 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 महादेव जी ने मुझे लगता कर दिया अपना आई थिंक वो कोई हुआ है ओ वो नो डूब रही है ओ ओ हो हो भाई यार ये ब्लू लाइट नीचे हुई है ना हाँ वो आई थिंक छेद हुआ है उसके अंदर ना हो क्या ओ ओ जाओ स्वामी जाओ नदी पार नाव डूब गई नंदी जी तो ऐसे कह रहा जैसे पता नहीं है अब आप नदी किनारे कैसे जाएंगे महादेव जी ने सही चलिए हम आपके साथ आपके भवन तक चलते हैं महादेव जी जाने देंगे निश्चिंत रहिए हम आपसे दूर चलेंगे आपकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आएगी गोधूली बेला भी ढल चुकी है और मुझे ये शुभ लक्षण नहीं लगता इस वीराने में हम आपको दीदी का तो प्लान सही चौपट गई है आप चाहें तो प्रजापति से इसका परिवाद कर सकते हैं यार इनको नहीं पता ना कि महादेव जी इस रूप में आ सकते हैं नौ सही तो बन गए कहते चनी लेके जा रहे सफर कर सही है इन शिल्पकारों से पीछा छुड़ाना होगा कैसे तब सती से बात कर उसे शिव के पास कैलाश जाने के लिए मना सकते हैं आप ही की बात सुन रहे हैं वो आपके साथ ही और आपके मन की बातें हर सुन रहे हैं भाई वो नंदी जी ओ अक्स मतलब सही नजर आ रहा है तभी नंदी जी हैरान ओए 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 ये तो सीन है हाँ ओ अबे सती जी की नजर ना पड़े हाँ ये क्या है यार पानी के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है हाँ देख देख महादेव जी भी हैं सूर्य ढलने में अभी समय बाकी है आप दोनों चले जाइए हम कुछ समय पश्चात आएंगे इनकी नजर ना पड़े ये देख रहे हैं ये कुछ कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं ओ ओ ओ भाई सूर्य देवता भोली की तरह नीचे जा रहे हैं और ये देखिए अपनी आंखों से कर ताकि इनको नजर ना आए उन्होंने कहा अच्छा करीब है मैं और ही ओए 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 ले नीचे कर दिया ओबे चमत्कार है यार जय महादेव जी की सूरज तो ढलने ही वाला है आपने और नीचे कर दिया ये कैसे सूर्य इतना नीचे कैसे आ सकता है कैसे आ सकता है साथ ही खड़े हो यार अब ये मत कहिएगा
कि सूरज को मेरे स्वामी नीचे लेकर आए हैं। ओ अब एक्चुअली वो रहा नंदी जी क्या है यार, कहता अब ये ना बोल कि मेरे स्वामी ने किए। हाँ तो बात सही बोली। देखो उन्होंने अभी तक एकदम नीचे आया ना, नीचे भी नजर आ रही है। मुझे बचपन से ही पानी में पत्थर मारना अच्छा लगता है। ले पानी में पत्थर ही मार दिए ऐसे। अबे नंदी जी कितना डिफेंड करेगा वो टाइम। चलिए दीदी चलिए, नहीं तो नंदी जी परेशान करते हैं। भगवान वाक्य में बहुत बोले हैं, ये नंदी जी सारी गेम कर रहे हैं अंदर। हाँ यार मान है नंदी जी यार, क्या गेम खेली। और भाई मुझे तो हंसी इस बात की आई है कि मतलब के भगवान शिव जी ने बोला चलो मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूं, कहते नहीं तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम हमारे साथ रह सको या हमारे साथ ट्रैवल कर। सही है भाई, सबर करो, मैं नहीं जाता तो तुम कौन सा जाओगे। चमत्कार किया सुराग हुआ, पूरी बोट ही डबा, कहते अब तो आप लोग नहीं जा सकते। अब भाई रेवती दीदी को शायद पता नहीं है कि महादेव जी मनुष्य रूप में आ सकते हैं और ये इनको कैलाश शिव जी के पास ले जाना चाह रही है, खुद हालांकि महादेव जी आपके पास आए। और जो आप मनो में सोच रहे हो और जो इधर उधर बातें कर रहे हो सब उनको पता है कि क्या आप लोगों ने वो खिलाए में। तभी तो भाई है उधर से, तभी उसने बोला ना कि जाने क्या अभी सूरज ऊपर है, सूर्य ऊपर है, तो उन्होंने कहा अच्छा ऊपर है चल अभी यूं आगे आंखें बांध के सूर्य देवता उसी टाइम नीचे। हाँ उसी टाइम नीचे, कहता है सती जी कौन थे भाई, सती जी जैसे देखने वाली होती है। नंदी जी अब ये मत बोल देना क्या हमारे स्वामी ने ये किया है सब। लेकिन भाई नंदी जी ने एक किस्म का सच ही अपनी तरफ बड़ा डिफेंड करता है नंदी जी। अबे यार कसम ये तो हमने इसको सिर्फ ऊपर देखा है कैलाश में। यार अगर नंदी जी कसम से करना होते ना तो भगवान शिव जी फंस सकते थे। हाँ जिस तरह वो थे, वो जिस तरह वो बच्चे ने बोला, क्योंकि उनका अपना ही अक्स नजर आ रहा ना यार नीचे। और जिस तरह वो डिफेंड किया भाई उस तरह भगवान शिव, वो तो किया कि जो पहले बच्चे के कहते मेरा भगवान शिव जी को एक राजकुमार प्यार हुआ लेकिन वो उनसे पूरी सेम टू सेम यही स्टोरी सुनाई। भाई इनको अपना याद आ रहा, इनको अपना याद आ, कह रही हाँ वो पिता की वजह से वो ये होगी तो वो होगी, तो कहता हाँ कहती अच्छा मैं आपकी मतलब स्टोरी से जो ना कथा से सहमत हूँ। तो मैं नहीं भाई बताऊंगी पिता से, मैं नहीं जिक्र यार मतलब ये क्या है यार नंदी यार, कहाँ से कहानियां सुना सुना के टालता वो दरिया में पत्थर मारने लग गया। मुझे बचपन से शौक भाई वो अक्स नजर ना है। तो यार अब आगे देखते हैं आगे होता है क्या। यहाँ पे फिलहाल तो ब्लाइंड चौपट हो चुका है जो कह रेवती दीदी का। तो इधर ये वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा खैर की। तो बाय।